इन दिनों टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। वो सलमान खान के साथ बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी हैं, लेकिन डेब्यू से ज्यादा वो अपने अफेयर को लेकर खबरों में बनी हुई हैं। दरअसल एक बार फिर पलक और सैफ के बेटे इब्राहिम अली खान के अफेयर की खबरें चल रही हैं। दोनों को कई बार एक साथ स्पॉट किया जा चुका है। हालांकि दोनों एक दूसरे को अपना अच्छा दोस्त बताते हैं, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स का कहां मानने वाले हैं। कुछ ऐसे ही कमेंट्स काफी वायरल हो रहे हैं। हाल ही में पलक को जैसे ही एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया तो उनके और इब्राहिम के रिश्ते को लेकर एक्यूजर्स ने कहा कि उसने दोनों को वॉर्ली के एक क्लब में किस करते हुए देखा था। एक फीमेल यूजर ने पलक के लिए लिखा, वो यानी पलक कल क्लब स्लिंक एंड बार में इब्राहिम को स्मूच कर रही थी। एक दूसरे यूजर ने लिखा, रात को ये पलक वही पार्टी कर रही थी जहां मैं था, दोनों अपना प्यार दिखा रहे थे। सच बताऊं ये अच्छा नहीं था, थोड़ी तो शर्म करो या कमरा ले लो एक। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है या सिर्फ ये अफवाहें हैं कोई नहीं जानता। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों रिश्ता बचा रहे हैं क्योंकि वो अपने करियर पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं डालना चाहते। पलक श्वेता तिवारी की बेटी हैं ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये इतनी फेमस कैसे होगी चलिए आपको बताते हैं। पलक मुंबई में ही पैदा हुई थी और वो मिट्टीबाई कॉलेज से अब उन्होंने मनोविज्ञान में डिग्री ली है। पेरेंट्स के तलाक के बाद पलक अपनी मां श्वेता के साथ रह रही हैं। बचपन से ही उन्हें डांस का शौक रहा है और वो मां की तरह एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। उन्हें मेकअप करना, खाली समय में पढ़ना और डांस करना बेहद पसंद है। साल 2021 में वो हार्डी संधि के वीडियो गीत बिजली बिजली में दिखाई दी थी, जिसके बाद वो लोगों की नजरों में आ गई थी। लेकिन उससे पहले पलक ने अपने सौतेले पिता अभिनव कोहली पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। इन खबरों ने भी काफी तूल पकड़ा था। हालांकि पलक ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा कि कोहली ने उन्हें शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मौखिक रूप से प्रताड़ित किया था। कमाई के मामले में वो अपनी मां से कम नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक श्वेता की बेटी की नेटवर्थ साल 2021 में $3 मिलियन के करीब है, यानी कि करीब 25 करोड़ रुपए के आसपास। फिलहाल पलक अपने करियर पर फोकस कर रही हैं। आपको पलक की एक्टिंग और लुक कैसे लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।